अमेठी के जैश में फर्जी डॉक्टर बनकर चला रहा था नर्सिंग होम। जांच में खुलासा हुआ। देव नेशनल नर्सिंग होम पर सीएससी अधीक्षक ने कार्यवाही के लिए पत्र लिखा। निरीक्षण में बिना डॉक्टर के भर्ती कर 3 मरीजों का चल रहा था इलाज। बिना डिग्री के नाम के आगे डॉक्टर लिखकर करते थे गुमराह। अमेठी में चोरी करके भाग रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। युवक की निशानदेही पर कुछ सामान हुआ बरामद। हजारों नकदी समेत जेवरात हुए गायब। ग्रामीणों ने चोरों की पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। जामो थाना क्षेत्र के गोरियाबाद का यह मामला है। अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन के कासिमपुर हाट के पास गेट पर ई रिक्शा ने मारी टक्कर। गेट हुआ क्षतिग्रस्त। इमरजेंसी गेट चालू किया गया। सड़क पर लगी लंबी भीड़। रेलवे के कर्मचारी ने बताया कि बंद किया जा रहा था गेट, उसी वक्त तेजी से ई रिक्शा आ गया और उसने गेट में भिड़ा दिया। मौके पर पुलिस ने ई रिक्शा व चालक को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी में दबंगों से परेशान दंपत्ति ने न्याय के लिए एसपी से गुहार लगाई है। 2 दिन पहले सोते समय पत्नी की अज्ञात लोगों ने गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। अमेठी सीएससी में इलाज के लिए बाद एसपी के चौखट पहुंची है महिला। आरोप है कि अब तक आधा दर्जन से अधिक बार पूरे परिवार पर हमला हो चुका है। कई बार शिकायत के बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। विपक्षियों से जमीनी विवाद बताकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेती है संग्रामपुर पुलिस। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ठिंगहा गांव का ये मामला है। सुल्तानपुर में सैनिक रमाकांत यादव का पार्थिव शव पहुंचा है। जहरीले सांप के काटने के बाद शहीद हुआ था सैनिक। पैतृक गांव में हुआ रमाकांत का अंतिम संस्कार। लंबुआ कोतवाली के बसावनपुर गांव का ये मामला है। अमेठी में रेलवे स्टेशन की छत से गिर रहा है बारिश का पानी। वीडियो वायरल हो गया है, लोगों में चर्चा है। यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ रही है। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के विकास पर सवाल उठ रहा है। अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चोरी के सामान व एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया। अमेठी के भादर विकासखंड के अंतर्गत बाल विकास परियोजना के द्वारा चिन्हित अति कुपोषित बच्चों के बीच पोषाहार किट वितरण किया गया। ब्लॉक सभागार अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं लाभार्थी बच्चे व अभिभावक मौजूद रहे तथा सभी की उपस्थिति में पोषाहार वितरण किया गया। अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 10,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, उसे जेल भेज दिया गया। अमेठी के मुसाफिरखाना में दुर्गा पूजा को दृष्टिगत रखते हुए मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा खस्ताहाल मुसाफिरखाना पारा मार्ग पर गड्ढों को भरने का सिलसिला जारी है। मार्ग पर जगह जगह हुए बड़े बड़े गड्ढों पर ईंट के टुकड़ों को गिराया जा रहा है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।